Hello students, I am Zuba'r Sir and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English. आपको क्या लगता है? क्या हमने महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए हैं जो उन्हें मिलने चाहिए थे? क्या हम आज भी महिलाओं को वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमें एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए? सोचिए जब हमने आज वो महिलाओं को अधिकार नहीं दिए हैं जिनकी वो हकदार हैं 18th सेंचुरी में उनके साथ क्या होता होगा? 18th सेंचुरी में एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और उन्होंने 18th सेंचुरी यानी 1792 में एक बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी वुमेन राइट्स के ऊपर और बुक का नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स। इस किताब में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट धज्जियां उड़ा देती हैं उन सभी आर्ग्यूमेंट्स की जो औरतों की एजुकेशन के खिलाफ उस वक्त में या उस दौर में चल रहे थे। कमाल की किताब है। फेमिनिज्म पे मैंने कई किताबें पढ़ रखी हैं लेकिन ये मेरी बहुत फेवरेट बुक्स में से एक है और वो इसलिए क्योंकि 18th सेंचुरी की एरा की होकर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट बहुत ही रीजंड बातें करती हैं। आपको बहुत पसंद आएगी इसकी समरी अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं फेमिनिज्म में। चलिए एक्सप्लेनेशन के बाद मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। A Vindication of the Rights of Women with Strictures on Political and Moral Subjects। किताब का नाम है, टाइटल को समझेंगे पहले। विंडिकेशन कहते हैं समर्थन, तो एक समर्थन है राइट्स ऑफ वुमेन यानी औरतों के अधिकारों का। किसके साथ? विद स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स कहते हैं कटु आलोचना के साथ और ये आलोचना किसकी कर रही हैं यहाँ पर आपकी ऑथर? पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स की। किताब छपी थी 1792 में और लिखी थी 18th सेंचुरी की जानी मानी ब्रिटिश प्रोटो फेमिनिस्ट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। ये किताब फेमिनिस्ट फिलॉसफी पर लिखी गई सबसे शुरुआती किताबों में से एक है। इस किताब में वॉलस्टोनक्राफ्ट 18th सेंचुरी के उन एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को जवाब देती हैं जिनका मानना ये था कि औरतों को रैशनल एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। मैरी आर्ग्यू करती हैं कि औरतों को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए क्योंकि ये एजुकेशन ही उन्हें सोसाइटी में उनकी पोजीशन को दिलाती है। वो ये क्लेम करती हैं कि औरतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी नेशन के लिए, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो उस नेशन के बच्चों को एजुकेट करती हैं और वो सिर्फ मर्दों की बीवियाँ नहीं हैं बल्कि वो कंपेनियंस हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अपनी किताब में कंपेनियन शब्द को इन्वर्टेड कॉमास में लिखती हैं क्योंकि उस वक्त के लोग ये माना करते थे कि औरत जो है वो सिर्फ मर्द की गुलाम है और उसका काम सिर्फ अपने हस्बैंड की सेवा करने से है। उस वक्त के मर्द औरतों को सोसाइटी के आभूषण यानी ऑर्नामेंट टू सोसाइटी मानते थे या फिर वो एक संपत्ति की तरह ट्रीट करते थे, एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे औरतों को जिनका व्यापार होता था शादी के दौरान। वॉलस्टोनक्राफ्ट इन दोनों ही बातों के खिलाफ हैं और वो मानती हैं कि औरतें आदमियों के जितनी ही ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनको वही फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जो आदमियों को मिले हुए हैं। वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ये किताब क्यों लिखी थी? इसके पीछे एक घटना थी जिस घटना ने वॉलस्टोनक्राफ्ट को प्रेरित किया था इस किताब को लिखने के लिए कि उन्हें राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में कुछ लिखना चाहिए। और वो घटना क्या थी? एक शख्स हैं, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स मॉरिस। इन्होंने 1791 में एक रिपोर्ट दी फ्रेंच नेशनल असेंबली को और अपनी रिपोर्ट में चार्ल्स मॉरिस ने बताया कि औरतों को सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एजुकेशन देनी चाहिए यानी कि खाना पकाना, सिलना, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये सारी चीज़ें। इस रिपोर्ट के बाद मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट भड़क गई और उन्होंने कई वर्बल अटैक्स किए अपनी इस किताब में मर्दों के डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर। उन्होंने कहा कि मर्द जो हैं वो सेक्सुअल डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं और अपने हिसाब से औरतों के अधिकारों को तय करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त चल रही घटनाएँ जो महिलाओं के खिलाफ हो रही थी उनके बारे में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने जल्दी से ये सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखे। वो इसका एक सेकंड वॉल्यूम भी पब्लिश करने वाली थी लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वैसे तो
वॉलस्टोनक्राफ्ट जीवन के हर क्षेत्र में दोनों ही सेक्सेस के बीच में इक्वलिटी चाहती थी, खास तौर से मॉरालिटी के क्षेत्र में। लेकिन अपनी इस किताब में वो कहीं भी साफ साफ ये कहती नज़र नहीं आई हैं कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एम्बिगुअस यानी द्विअर्थी हैं, इसलिए हम साफ साफ उनका वर्गीकरण नहीं कर पाए हैं, उन्हें क्लासिफाई नहीं कर पाए हैं एक मॉडर्न फेमिनिस्ट के रूप में। वो महिला अधिकारों की बात तो अपनी किताब में करती हैं, लेकिन उनमें वो धार नहीं है जो आज की मॉडर्न फेमिनिस्ट अपने विचारों में रखती हैं। लेकिन शायद वो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही शुरुआती टाइम है 1792, और उस वक्त इस तरह की मॉडर्न सोच रखना भी अपने आप में एक काबिलियत है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जब ये किताब छपी तो इसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने इस किताब को खूब पढ़ा। एक बायोग्राफर ने कहा था कि इट परहैप्स द मोस्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ द सेंचुरी, यानी संभवतः ये पूरे शताब्दी की सबसे इम्पॉर्टेंट रचना हो सकती है। वॉलस्टोनक्राफ्ट की ये किताब 19th सेंचुरी तक जितने भी लोग महिला अधिकारों की बात करते रहे उनको प्रेरित करती रही और उनको इंस्पायर करती रही। ऐसे बहुत से मर्द रहे हैं जो ये आर्ग्यू करते थे कि औरतों के पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने से खुद से ही मोरली गुड रह सकें, उनको आदमी की गाइडेंस की ज़रूरत होती ही है। लेकिन वॉलस्टोनक्राफ्ट इस बात पर विश्वास नहीं रखती थी कि औरतें जो हैं वो मेंटली इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखती हैं जितनी कि आदमी रखता है। वो ये आर्ग्यू करती हैं कि औरतों के पास भी आत्मा होती है, सोल होती है, तो इसका मतलब मर्दों के पास भी आत्मा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आदमी और औरत दोनों के पास आत्माएं हैं तो दोनों का रैशनल पावर भी सेम होगा। अब इस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ अगर कोई आर्ग्यूमेंट देना होता तो आदमी को ये प्रूफ करना पड़ता कि औरतों में सोल नहीं होती, और अगर ये प्रूफ वो कर पाता तो ये धर्म विरोधी होता, क्योंकि धर्म कहता है कि हर एक बॉडी में आत्मा होती है। औरतों की शिक्षा के आड़े सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि लोग ये विश्वास करते थे कि औरतों को बिल्कुल इनोसेंट रखना चाहिए बच्चों की तरह, और उन्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाना चाहिए जो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ से आगे हो। उनको सिर्फ वही स्किल्स सिखाई जानी चाहिए कि वो अपने फ्यूचर में आने वाले पतियों को खुश रख सकें। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक बच्चों को इनोसेंट रखा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा सीधा औरतों के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जहाँ सभी इंसानों को एक दूसरे को इनकरेज करना पड़ता है और एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है और एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है, और अगर आप औरतों को इक्वल एजुकेशन नहीं देंगे तो वो इक्वली नहीं सोच पाएंगी। वो कहती हैं कि माता पिता को अपने बच्चे को उस दिन के लिए तैयार करना चाहिए जिस दिन उसे अपने बारे में सोचना हो। लेकिन वो ये भी एडमिट करती हैं कि लोग जो होते हैं वो हमेशा सोसाइटी के प्रोडक्ट होते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसी के हिसाब से वो इंसान बनते हैं। इसलिए वो कहती हैं कि इस तरह की एजुकेशन हमें देनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनकर निकले। वॉलस्टोनक्राफ्ट अपने ज़माने के आदमियों को ये ब्लेम करती हैं कि उन्होंने इस तरह की एजुकेशन को प्रमोट किया है औरतों के अंदर कि औरतें कम्प्लीटली यूजलेस बनकर रह गई हैं सोसाइटी के लिए। एक शख्स से स्पेशली नाराज़ है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, और वो शख्स हैं जीन जैक्स रूसो। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? दरअसल रूसो सोचते थे कि आदमी जो होता है वो परफेक्टली रैशनल है और औरतों को उनकी गाइडेंस फॉलो करनी ही चाहिए। लेकिन वॉलस्टोनक्राफ्ट ये आर्ग्यू करती हैं कि ज़्यादातर आदमी जो हैं वो सिर्फ ओवरग्रोन चिल्ड्रन हैं। ये लाइन मुझे इस किताब की बहुत अच्छी लगती है, एक तरह से प्रोवर्ब सी बन चुकी है ये। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं मैन आर जस्ट ओवरग्रोन चिल्ड्रन, कि आदमी जो है ना वो सिर्फ थोड़े से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं। मैरी कहती हैं कि जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें हो क्या रहा है कि औरतें जो हैं वो सिर्फ इस काबिल हैं कि जो संसार के सरफेस की चीज़ें हैं, जो सिर्फ ऊपर ऊपर की सतही नॉलेज है, वही औरतों को दी जा रही है। उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि लार्जर पैटर्न्स में उन्हें कैसे सोचना है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस कैसे करनी है, और इसी वजह से औरतें सिर्फ सुपरफिशियल और शैलो बनकर रह गई हैं।
वो इसके लिए मिलिट्री सोल्जर्स का एग्जाम्पल देती हैं। वो कहती हैं ये बिल्कुल सैनिकों की तरह है, सैनिकों को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि ऑर्डर्स कैसे फॉलो करने हैं, उनको कोई रीज़न कोई वर्च्यू गाइडिंग नहीं होती है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वो सामने वाले लोगों पर गोलियां क्यों चला रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना सिखाया जाता है। यही काम मर्द जो हैं वो औरतों के साथ कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि जो हम कहेंगे आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैरी हमें फिर से उसी आर्ग्यूमेंट पर लेकर जाती हैं कि तय कर लीजिए कि औरतें रैशनल हैं या नहीं हैं। क्या वाकई औरतों को आदमी को फॉलो करना चाहिए या वो इतनी एबल हैं कि खुद अपने डिसीजंस ले सकती हैं। वॉलस्टोनक्राफ्ट क्लैरिफाई करती हैं कि वो नहीं चाहती कि वो इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें, वो नहीं चाहती कि औरतों को आदमी के ऊपर ले जाया जाए, वो ये चाहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ औरतें इंडिपेंडेंट हो जाएं और उनके दिमाग को पूरी तरह से आज़ाद किया जाए सोचने समझने के लिए। कुछ आदमियों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन वॉलस्टोनक्राफ्ट का विश्वास है कि औरतें सिर्फ इसलिए नहीं बनी हैं कि वो आदमी के साथ प्यार में पड़ जाएं, वो सिर्फ फॉल इन लव के लिए नहीं बनी हैं। वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि हाँ, एक समय ऐसा होता है जब आदमी बिना कुछ सोचे समझे प्यार में पड़ जाता है, पड़ना भी चाहिए, लेकिन उस समय हमें उन आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए जो मैच्योर ईयर्स होने वाले हैं हमारे जीवन के। वो ये कहती हैं कि रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, तर्क से सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्यार में पड़िए लेकिन उससे पहले अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचें। औरतों को वो ये एडवाइस कर रही हैं। इसके बाद मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एक आदमी की रचना को क्रिटिसाइज़ करती हैं। आदमी का नाम है डॉक्टर ग्रिगोरी। अब ये आदमी तो हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं आया पर्सनली। अब इन्होंने किताब लिखी थी डॉक्टर ग्रिगोरी ने उस वक्त 18th सेंचुरी के आसपास, और वो किताब का सब्जेक्ट क्या था, उस किताब में उन्होंने बताया था कि वो अपनी लड़कियों को कैसे पालना चाहते हैं। तो डॉक्टर ग्रिगोरी ये इंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी बेटियों को कि वो सीखें कि उन्हें ड्रेस कैसे पहननी है, और इस किताब का सेंट्रल पॉइंट ही ये है कि लड़कियों को ड्रेस कैसे पहननी चाहिए। वॉलस्टोनक्राफ्ट को ये बड़ा अजीब लगता है कि डॉक्टर ग्रिगोरी का ये मानना है कि कपड़े पहनना, नई नई कपड़ों की शॉपिंग करना ये नेचुरल होता है औरतों के लिए, और वो इसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये औरतों की आत्मा में है और औरतों की आत्मा बॉडी में प्रवेश करने से पहले, बॉडी में एंटर करने से पहले ये सीख कर आती है कि जब मैं एक इंसानी स्वरूप लूँगी तो मुझे कपड़े पहनने हैं, चमकीली ड्रेसेस पहननी हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि ये सच है कि लड़कियों को या औरतों को अच्छी ड्रेसेस पहनना पसंद है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छा दिखना सोसाइटी में उनकी पावर का प्रतीक होता है, क्योंकि कोई औरत जितनी बेहतर दिखेगी उसी हिसाब से वो सोसाइटी में अपनी पावर को ओन कर पाती है। इस तरह का सिस्टम मर्दों ने बना दिया है। दूसरी मेन एडवाइस डॉक्टर ग्रिगोरी जो अपनी बेटियों को देते हैं वो ये है कि किसी भी सिचुएशन में अपने ट्रू इमोशंस किसी भी लड़की को छिपाने चाहिए। ये औरत की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस को शो ना होने दे। यानी इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको कहना नहीं है आदमी से, आदमी आपके साथ कुछ भी करे आपको चुप रहना है। खैर, वॉलस्टोनक्राफ्ट इससे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि आदमी और औरत के बीच का जो सबसे सच्चा बॉन्ड है वो प्यार नहीं है, वो फ्रेंडशिप है। वॉलस्टोनक्राफ्ट लव को सेक्स और रोमांस से कनेक्ट करती हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप है उसे वो दो लोगों के बीच का बॉन्ड मानती हैं जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की बुद्धिमत्ता को समझते हैं, एक दूसरे के इंटेलेक्चुअलिज्म को समझते हैं। मैरी कहती हैं जैसे ही चमड़ी की चमक गायब होती है प्यार गायब हो जाता है, लेकिन दोस्ती फ्रेंडशिप जिंदगी भर रहती है। वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि अगर हम मरने के बाद कहीं नहीं जा रहे हैं तो फिर वो एग्री करती हैं कि लाइफ का जो पॉइंट ऑफ लाइफ है वो यही है कि आप प्लेजर के पीछे भागिए फिर, लेकिन वो विश्वास करती हैं आफ्टर लाइफ में। वो कहती हैं कि मुझे यकीन है कि मरने के बाद भी एक जीवन है जो हमें जीना है, इसलिए हमें इस पृथ्वी पर जितना भी समय बिताना है वो सही काम करते हुए बिताना चाहिए ताकि हम आफ्टर लाइफ अच्छे से जी पाएँ। वो कहती हैं कि अगर डॉक्टर ग्रिगोरी की एडवाइस को सही मान भी लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा
कि औरत की जिंदगी का उद्देश्य पर्पस तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा जिस वक्त वो शादी करेगी और उसके बच्चे होंगे, क्योंकि वो ये समझा रहे हैं अपनी बेटियों को कैसे ड्रेस पहननी है और कैसे अपने पति को खुश करना है और कैसे अपने इमोशंस को छुपाने हैं। तो इसका मतलब उसे आफ्टर लाइफ की तैयारी ही नहीं करनी और उसे एक ऐसा जीवन नहीं जीना जहाँ वो कुछ सीख सके और तर्क के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अब उसके पास कुछ नहीं है जिसको वो अचीव कर सके। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहना क्या चाहती हैं। देखिए, क्रिश्चियनिटी में होता यह है कि आफ्टर लाइफ पर बिलीफ होता है कि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है और दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि हम आने वाली लाइफ की तैयारी कर सकें, यहाँ पर रहें, अच्छे काम करें, अच्छे से नॉलेज को प्राप्त करें और दुनिया की सेवा करें। लेकिन डॉक्टर ग्रिगोरी के जो विचार हैं औरतों की लाइफ को लेकर वो बहुत संकीर्ण, बड़े कंजर्वेटिव हैं, तो वो डॉक्टर ग्रिगोरी को एक रिलीजियस थॉट के साथ चोट करना चाहती हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि औरतें किस चीज़ के लिए केपेबल हैं जब तक हम उन्हें वही सोशल रेस्पेक्ट और एजुकेशन नहीं देते जो हम आदमियों को दे रहे हैं। अब आपको ये लग रहा है कि औरतों के पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, वो रैशनल नहीं होती आदमियों की तरह, तो वो आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप उन्हें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे ही नहीं रहे जो आप आदमियों को दे रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर आदमी वाकई में औरतों से सुपीरियर हैं तो उन्हें प्रूव करें। आप औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल चांसेस दीजिए और तय कर लेते हैं कॉम्पिटिशन करके कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, कौन नहीं है। वो कहती हैं कि अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो को भी देखेंगे, चलो ये प्रूव भी हो जाता है कि औरतें आदमियों से सुपीरियर नहीं हैं, तो तब भी कुछ औरतें ऐसे निकल कर आएंगी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बाद जो आदमियों से बेहतर होंगी। यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट देखिए कितनी अच्छी बात कहती हैं। वो ये कहती हैं कि आदमियों के पास औरतों को ऑप्रेस करने का उतना ही अधिकार है जितना राजा को है आदमियों को ऑप्रेस करने का। और देखिए कितनी अजीब सी बात है, जब वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब लिख रही थी उस वक्त एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा था जहां पर औरतों को राजनीतिक अधिकारों से दूर रखने की बात हो रही थी। यहां पर आप मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की तारीफ़ कर सकते हैं कि वो वुमेन्स राइट्स की बात करते करते डेमोक्रेसी के लिए भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट छिड़ रही हैं। सो आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी और आपकी सोच अगर थोड़ी भी एंटी वुमेन है तो आई होप कि वो बदले और आप जल्दी ही औरतों को अपने इक्वलेंट समझने लगे, अपना अपने से कमतर ना अपने से बेहतर, इक्वलेंट। चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा।